सब्सक्राइब कीजिए शेखावत टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फाइनली MIUI 9 बीटा वर्जन का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जो कि 8.1.4 है, यानी 4 तारीख पहला महीना और 2018। अब इसका देखते हैं कितना कुछ MB का मिल जाता है। ये आपको 251 MB का आपको मिल जाता है, वीकली अपडेट है। अगर आपने अपना अपडेट जाके चेक नहीं किया तो चेक कीजिए, आप वहाँ पे आपको अपडेट भी मिल जाएगा। अब इसको इसकी वर्ड्स न्यू में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास इसमें नया देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं फिक्स, देखते हैं क्या फिक्स में क्या देखने को मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है द मूव ऑप्शन वॉज डिस्प्लेड एज कॉपी इन एक्सप्लोरर। कभी कभी आप फाइल मैनेजर में जाते थे तो वहाँ पे आपको मूव का ऑप्शन तो दिखता था, लेकिन आप कभी कभी उसको यूज़ नहीं कर पाते थे। अगर आप यूज़ भी कर पाते तो आप आपको मूव फाइल जो भी फाइल करते हैं ट्रांसफर, चाहे वीडियो करते हैं, चाहे आप कोई एपीके करते हैं या कोई सॉन्ग करते हैं, तो वो मूव होता ही नहीं था। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी, उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। दोस्तों अगला फिक्स क्या किया गया, दोस्तों अगला फिक्स लिखा हुआ है होम स्क्रीन फोर्स एंड डाउन स्लो डाउन। दोस्तों अगर आप क्या करते, कभी कभी आप अगर होम स्क्रीन यहाँ प्रेस करते थे तो बहुत ही लेट रिस्पॉन्स देते थे, लेट मतलब यहाँ पे होम स्क्रीन पे आती थी, तो इसको भी सॉल्व कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है यार, सॉल्व कर दिया गया है। तो सो अगले फिक्स की बात की, दोस्तों अगला फिक्स हमारे सामने आता है ऑटोमेटिक अपडेट रन ऑफ इन योर रिसेंट अपडेट एज नोटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कभी कभी आप अपना अपडेट करते थे, चाहे बीटा वर्जन का अपडेट आओ चाहे स्टेबल वर्जन का अपडेट आओ, वैसे बीटा वर्जन में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप कभी कभी अपडेट करते थे तो आपका अपडेट नोटिफिकेशन बार से गायब हो जाता था, या फिर कभी अपडेट करने के बाद नोटिफिकेशन बार में शो होता था लेकिन आपको लगता था पॉज हो गया अपडेट, ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता था, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता था। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। दोस्तों अगले फिक्स की बात की, दोस्तों अगले फिक्स हमारे सामने आता है सिस्टम लॉन्चर वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। दोस्तों इसका मतलब क्या है, दोस्तों इसका मतलब सिंपल सा ये, आप सिस्टम लॉन्चर अभी भी होम बटन प्रेस करते थे तो सिस्टम लॉन्चर आपको सपोर्ट नहीं करता था, मतलब कभी भी ओपन ही नहीं होता था। कभी कभी हमें करीब 30 सेकंड 40 सेकंड लग जाते थे ओपन होने में, होम स्क्रीन आने में। तो यही सेम प्रॉब्लम, ये जो मैंने आपको बताई थी होम स्क्रीन फॉर द स्लो डाउन, सेम ही प्रॉब्लम यहाँ पे भी दे दी गई है। तो अगला हमारे सामने आता है फिक्स, तो स्क्रीन बटन ओवरलैपिंग विद कीबोर्ड विथ द कीबोर्ड ड्रेनिंग पीक रिप्लाई इन द नोटिफिकेशन शेड। कभी कभी आप नोटिफिकेशन बार से अगर आप व्हाट्सएप या फेसबुक में रिप्लाई करते थे तो आपके सामने कीबोर्ड आता ही नहीं था, ज़्यादा प्रॉब्लम गूगल कीबोर्ड में आ रही थी। तो ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व कर दी गई है। तो इस मेरे को उम्मीद थी कि इस अपडेट में तो सॉल्व कर दी जाएगी, लेकिन ये फाइनली सॉल्व कर दी गई है। तो अगर आप क्विक रिप्लाई करेंगे तो आपको कीबोर्ड है वो फटाफट ओपन हो जाएगा और आप क्विक रिप्लाई भी कर पाएंगे। क्विक रिप्लाई का मतलब ये होता है कि फटाफट ओपन हो जाए और फटाफट हम रिप्लाई कर पाए, तो ये ऑप्शन आपको इनेबल कर दिया गया है। अगला आता है फिक्स में UI ऑप्टिमाइजेशन इन RTL लैंग्वेज इन मैसेजिंग। तो इसका मतलब खैर मुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या था, मैं मतलब समझने में बहुत टाइम लगा, मैंने सर्च भी किया इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि आने वाली वीडियोस में आपके लिए बता दूंगा मैं इसका मतलब क्या होता है। तो सर अगला हमारे सामने निकल के आता है गैलरी, तो गैलरी में क्या कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, क्या कुछ नया दिया गया है। तो एक ही दिया गया है न्यू, लिखा हुआ है ऐड फोटो टू फेवरेट्स। अगर आप कभी कभी गैलरी में जाएंगे तो वहाँ पे अपनी गैलरी तो खैर ओपन करके नहीं दिखा सकता, बट आप कभी गैलरी में जाएंगे तो वहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा फेवरेट का, तो फेवरेट फोल्डर सबसे ऊपर आ जाएगा और उसमें आप कोई भी अपनी फेवरेट फोटो भी अटैच कर सकते हैं जो आपको सबसे पहले देखनी है, आपको किसी को अर्जेंट दिखानी है, आपको दूसरी फोटोज नहीं दिखानी है किसी को, तो आप फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगला हमारे सामने आता है ब्राउज़र, तो ब्राउज़र में क्या कुछ खास नया है। तो यहाँ लिखा हुआ है न्यू एड्रेस बार ऑटो कंप्लीट। दोस्तों आप एड्रेस बार भी एक नई दे दी गई, ऑटो कंप्लीट कर दी गई, तो ये एक अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ नीचे क्या आता है न्यू ऑल इन न्यू बटन मेन्यू। तो सर आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आप यहाँ नीचे एक देखते हैं, आप उसके सेटिंग्स वगैरह में जाएंगे बटन वगैरह में, तो यहाँ आप पूरा ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, कंप्लीटली नया कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है यार, कंप्लीटली नया कर दिया गया है। तो यहाँ ऑप्टिमाइजेशन में नाउ यू कैन ऐड होम स्क्रीन शॉर्टकट इन एंड्रॉइड ओ। दोस्तों एंड्रॉइड ओ में समझ में नहीं आया ऑप्टिमाइजेशन, एंड्रॉइड ओ शॉर्टकट इसका कुछ समझ में आया नहीं मुझे, और क्या उम्मीद है कि पता नहीं इसका एंड्रॉइड ओ में सपोर्ट करेगा एंड में सपोर्ट करेगा क्या है नो, हमारे पास तो नोगोट है, कौन सा एंड्रॉइड ओ तो है नहीं। इसको समझ के आप मत समझ लेना कि आपके मोबाइल में एंड्रॉइड का ओ अपडेट आ गया है, नहीं आपके मोबाइल में एंड्रॉइड ओ का अपडेट नहीं आया है, और ये पता नहीं किस कारण से दिया गया है, समझ में मुझे भी नहीं आया ना आपको भी समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम समझ लेंगे इसको। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, ये छोटे से कोई अपडेट्स आए थे। हाँ आप कभी आपकी डिमांड बहुत आ रही थी कि कुछ अलग हटके बताओ, जैसे द टेक स्टार शाहरुख बताते हैं, तो हाँ मैं आपके लिए हटके जरूर से बताऊंगा आने वाले कुछ वीडियोज़ में, आपके लिए मैं हटके बनाऊंगा, तो वो टेंशन मत लीजिए। मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, आप खुद को बताया, जो भी मेरे सब्सक्राइबर उन सबको बताया मैं किस कारण से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, और बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले अपडेट्स में आपके लिए अच्छी खासी अलग से ला पाऊंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखेगा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो सुनना है लाइक बटन में जोर से क्लिक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना बोलते, हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे सबसे पहले देख पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जय हिंद वंदे मातरम, और देखते रहिए शेखावत टेक्निकल।